नमस्कार दोस्तों, वर्धमान जनरेट के चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है गौरव। आज मैं लेके आया हूँ आइशर TMTL का 30 KVA का सिंगल फेज का साइलेंट डीजल जेनसेट, जो कि बिल्कुल 2022 मॉडल की तरह हम लोगों ने शोरूम कंडीशन में रेडी कर दिया। दोस्तों ये बहुत शानदार वीडियो होने वाला है, दोस्तों अंत तक जरूर देखेगा। मैं भी आपको जनरेटर को स्टार्ट करके 100% लोड डाल के भी दिखाने वाला हूँ और इसकी सारी परफॉर्मेंस भी चेक कराने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये इसका कंट्रोल पैनल है दोस्तों, जो कि हम लोगों ने इन हाउस बनाया है। ये जेन्युइन पैनल है दोस्तों। इसमें एक चाबी स्विच है, एक DC इंडिकेटर है, एक AC इंडिकेटर है, एक पुश बटन है दोस्तों, एक घंटे का मीटर है, एक डीजल का मीटर है, एक बैटरी चार्जिंग का मीटर है, एक ये इसका पैनल खोलने का बटन है, चाबी है, देख सकते हैं। ये पूरी वायरिंग पूरा पैनल इन हाउस बनाया है, पूरी वायरिंग प्रॉपर हम लोगों ने अपने यहीं पर करी है। सब चीज़ के अंदर आपको फेरून मिलेगा, बहुत हैवी ड्यूटी पैनल है दोस्तों ये, और ये कंपनी का ओरिजिनल पैनल है। ये इसका एमरजेंसी स्टॉप बटन है, जो बाहर से जनरेटर को बंद करेगा। ये डीजल इनलेट है, जहाँ बाहर से डीजल डाल सकते हैं। ये आइशर का 422ES इंजन मॉडल है दोस्तों, 3 सिलेंडर का, 38 हॉर्स पावर का, बहुत ही शानदार इंजन होता है दोस्तों। ये इंडिया का सबसे बेहतरीन एयर कूल्ड इंजन है ये। ये 3 सिलेंडर का होता है, इसमें तीनों ब्लोअरों के लिए अलग अलग पंखा लगा होता है, तीनों सिलेंडरों के लिए, जिससे इसकी कूलिंग बहुत शानदार होती है दोस्तों। देख सकते हैं इसके अंदर हाइड्रोलिक के सारे हम लोगों ने डीजल के पाइप लगाए हैं, जेन्युइन ऑयल फिल्टर लगाया है आइशर का ही। सारा सामान 100% ओरिजिनल यूज़ करते हैं दोस्तों। तीनों लाइनर पिस्टन सब नए डले हुए हैं। ये रिले भी लगी हुई है स्टॉपिंग के लिए। ये इसके अंदर एयर फिल्टर लगा हुआ है, ओरिजिनल इसके साथ का ही है। ये बेलो लगी है, पूरी पुरानी कैनोपी है दोस्तों। इसके अंदर पूरी फॉर्म, पूरी डोर गेट की सब 100% नई लगी है। पूरी कैनोपी को डेंट पेंट करके बिल्कुल शोरूम कंडीशन में नई की तरह हम लोगों ने बना दिया है। कोई देख के कह नहीं सकता पुरानी है। सारे नट बोल्ट आप देख सकते हैं 100% नए लगे हैं, सारी फॉर्म नई लगी है, सारे लॉक्स 100% नए लगाए हैं, ये देख सकते हैं आप। सारे लॉकों के अंदर आपको चाबी भी मिलेगी, सारी डोर गैस्केट नई लगी हुई है। बहुत शानदार इंजन होता है दोस्तों ये, 38 BHP का बहुत बेहतरीन इंजन है। इसकी डीजल की खपत भी बहुत कम होती है दोस्तों, 3.5 से 4 लीटर खाता है फुल लोड पे। 30 KVA सिंगल फेस का ये जेनसेट है दोस्तों, देख सकते हैं आप। पूरा पैनल विजिबल है, सारे लॉकों की चाबी है, हर लॉक को आप आराम से बंद कर सकते हैं, ताला लगा सकते हैं। इसका केबल इनलेट है, जहाँ से आप केबल डालेंगे आउटपुट की दोस्तों। इधर से भी मैं आपको पूरा जनरेटर खोल के चेक करा देता हूँ, देख सकते हैं सारे लॉक इसके वर्किंग है दोस्तों। ये लॉक लगा दिया, अब ये खोल दिया, देखिए इसमें 30 KVA सिंगल फेस का लेरॉय सोमर का ऑल्टरनेटर लगा हुआ है। जेन्युइन जनरेटर है दोस्तों ये, पूरा कंप्लीट सेट कैनोपी के साथ में ओरिजिनल है। इसमें कंपनी की ओरिजिनल कैनोपी लगी हुई है, कंपनी का जेन्युइन जनरेटर है, ट्रैक्टर वाला सिस्टम नहीं है, ओरिजिनल जनरेटर है दोस्तों, देख सकते हैं आप। सारे लॉक प्रॉपर काम कर रहे हैं इसके, ये देख सकते हैं आप। ये तीनों सिलेंडरों के लिए 3 ब्लोअर दिए हुए हैं, जिससे इसकी कूलिंग बहुत शानदार होती है। 10 घंटे 12 घंटे रेगुलर आप चला लेंगे, जेनरेटर में दिक्कत नहीं मिलेगी। सारे हॉर्स पाइप क्लैंप नए लगे हैं, फैनर की हम लोगों ने फैन बेल्ट लगाई, जैसा हर जनरेटर में लगाते हैं दोस्तों। वायरिंग के अंदर हम लोगों ने फ्यूज़ भी दिया है, जैसा हर जनरेटर में होता है। हैवी ड्यूटी बैटरी की रीड लगाई है दोस्तों इसके अंदर। इसका बैटरी स्टैंड है, जहाँ बैटरी रखी जाएगी दोस्तों। बहुत शानदार जनरेटर होता है दोस्तों ये, एयर कूल जनरेटर अगर जो भाई पसंद करता है उसके लिए सबसे बेहतरीन चॉइस है ये। ये इसका साइलेंसर है, जो अंदर ही होता है दोस्तों, ये देख सकते हैं। पूरा साइलेंसर इसका कैनोपी के अंदर ही होता है, इसलिए इसकी आवाज़ भी बहुत कम होती है दोस्तों। मैं अभी आपको जनरेटर को स्टार्ट करके 100% लोड डाल के भी दिखाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। ये बहुत शानदार जनरेटर है दोस्तों, अगर आप एयर कूल जनरेटर पसंद करते हो, 30 KVA सिंगल फेस के जनरेटर की आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है दोस्तों। अभी मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ दोस्तों, इसकी आवाज़ भी चेक कराता हूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हाफ सेल्फ में जनरेटर स्टार्ट हो चुका है, ये बैटरी इंडिकेटर भी बंद हो गया है, सारे मीटर के अंदर लाइट भी जल रही है, आप देख सकते हैं। घंटे का मीटर वगैरह प्रॉपर काम कर रहा है, AC इंडिकेटर जल चुका है इसका। ये बहुत बेहतरीन जनरेटर है दोस्तों, ये देख सकते हैं, बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं मिलेगी आपको, बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं मिलेगी। एग्जॉस्ट फैन भी चालू हो चुका है, बिल्कुल एक आवाज़ में इंजन चल रहा है दोस्तों, किसी टाइप की कोई फालतू नॉइज़ नहीं है, कहीं से कोई धुएं की लीकेज नहीं है, कोई किसी टाइप का ऑयल या डीजल की लीकेज भी नहीं है। ये देख सकते हैं पैनल वगैरह में कोई वाइब्रेशन नहीं है। अभी मैं आपको 100% लोड डालूंगा, 90-95 MPa लोड डालेंगे हम इस पर। 30 KVA सिंगल फेस का जनरेटर दोस्तों, इस तरफ से भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसी परफॉर्मेंस है, देख सकते हैं आप। बिल्कुल टॉप नॉच हम लोगों ने इसका काम किया, तीनों लाइनर नए डले हैं, तीनों पिस्टन नए डले हैं, पंप का काम हुआ है, हेड का काम हुआ है, मेन CR सारे नए डले हैं दोस्तों। बिल्कुल पूरा इंजन ओवरऑल करके बिल्कुल शोरूम कंडीशन में रेडी कर दिया। अब मैं आपको लोड डाल के दिखाता हूँ दोस्तों, पैनल पर चलते हैं। ये देख सकते हैं 51.25 हम लोगों ने फ्रिक्वेंसी की सेट करी, 222 वोल्टेज है दोस्तों। अब धीरे धीरे करके हम लोड डालेंगे इसके अंदर, देख सकते हैं लोड डालना चालू हो चुका है दोस्तों।
40 एम्पियर 42 एम्पियर लोड आ चुका है, 56 एम्पियर 61 एम्पियर, फ्रिक्वेंसी आप देख सकते हैं पूरी 50 मेंटेन है दोस्तों, बिल्कुल भी इन्हें दब नहीं रहा है। 70-72 एम्पियर लोड आ चुका है दोस्तों, करीब 80% लोड इस पर आ चुका है, 80 एम्पियर 84 एम्पियर 85-86 एम्पियर 93 एम्पियर देख सकते हैं दोस्तों, 93 एम्पियर लोड इस टाइम जनरेटर पर चल रहा है, और 49.5 फ्रिक्वेंसी है और 218-219 वोल्टेज है, इसको कहते हैं दोस्तों क्वालिटी। अब जनरेटर पर चल के मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ दोस्तों, किस टाइप की परफॉर्मेंस आ रही है ये देख सकते हैं दोस्तों, पूरे 100% लोड पर स्टेप जनरेटर चल रहा है 93 एम्पियर लोड पर, और बिल्कुल भी धुआं नहीं है, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है देख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल भाप भी नहीं है, जैसे 100% लोड पर भी बिल्कुल शेर की तरह इंजन धार रहा है, कोई वाइब्रेशन नहीं है किसी टाइप के, कोई धुआं नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है, एक आवाज़ में इंजन चल रहा है दोस्तों, उसको कहते हैं क्वालिटी। देख सकते हैं आप, उस तरफ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, देख सकते हैं बिल्कुल भी धुएँ की लीकेज नहीं है, इसके पेंट जो है वो जलना चालू हो गया, जो हम लोगों ने पेंट किया जनरेटर का, 100% लोड चल रहा है इसलिए पेंट जलना चालू हो गया, इसका हल्का फुल्का आपको जो भाप नज़र आ रही है उसी की आ रही है, ये देख सकते हैं बिल्कुल शानदार जनरेटर है ये, 100% लोड पे भी दोस्तों 4 लीटर के आसपास डीजल की खपत आती है, जो कि सबसे कम है, 30 KV सिंगल फेज का जनरेटर है, 93 MPa लोड पर इसका जनरेटर चल रहा है। अब लोड हम लोगों ने इसका हटा देंगे दोस्तों, और उसको बंद करेंगे, हम बटन दबाते ही जनरेटर बंद भी हो जाएगा, देख सकते हैं घंटे का मीटर वगैरह प्रॉपर काम कर रहा है, कोई वाइब्रेशन नहीं किसी टाइप की, कोई नॉइज़ नहीं है, बिल्कुल शोरूम कंडीशन में लेटेस्ट मॉडल जनरेटर बन चुका है। दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ दोस्तों किस टाइप की परफॉर्मेंस है, चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, और ये देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल टॉप नॉच परफॉर्मेंस आ रही है, बिल्कुल भी धुआं नहीं है, बिल्कुल साफ इंजन चल रहा है 93 एम्पियर पे। अब मैं पैनल पे ले चलता हूँ आपको, वहाँ भी दिखाता हूँ दोस्तों क्या कंडीशन है इस टाइम, ये देख सकते हैं सारी हीटर की रोडें जल चुकी हैं दोस्तों, 93-92 एम्पियर लोड पर इस टाइम जनरेटर चल रहा है, और देख सकते हैं 49.5 फ्रिक्वेंसी बिल्कुल मेनटेन है। अब इसके ऊपर से लोड हटा देंगे हम लोग दोस्तों, और जनरेटर को बंद करेंगे, ये देख सकते हैं सारा हीटर की लोड है हम लोगों ने बंद कर दिए, लोड हटा दिया गया जनरेटर पे से, अब बटन दबाएंगे जनरेटर बंद हो जाएगा दोस्तों, जनरेटर पे चलते हैं, और ये हम स्टॉप बटन दबाएंगे तो जनरेटर बंद हो जाएगा, देखिए अब बटन दबाते ही धीरे धीरे करके जनरेटर ये बंद हो रहा है दोस्तों, और ये जनरेटर दोस्तों बंद हो चुका है, DC इंडिकेटर जल चुका है, अब इसे हम इस ऑफ कर देंगे दोस्तों पैनल को, ये देख सकते हैं ये पैनल ऑफ कर दिया है दोस्तों, अभी जनरेटर बिल्कुल रेडी है दोस्तों, इसको बिल्कुल साफ सफाई करके बिल्कुल पन्नी से पैक करके हम लोग डिलीवर करेंगे दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों प्रॉपर पन्नी से हम लोगों ने इसे पैक कर दिया है, जनरेटर मथुरा जा रहा है दोस्तों एक बैंक में लगने के लिए रेंटल बेसिस पे, पार्टी ने हमसे परचेज करके बैंक में किराए पर लगाया मथुरा के अंदर, तो पूरा जनरेटर प्रॉपर हम लोगों ने पैक कर दिया अच्छी तरीके से पन्नी से, और इसे अब फोर्कलिफ्ट से हम लोड करके मथुरा के लिए डिलीवर कर देंगे दोस्तों, कोई देख के कह नहीं सकता कि जनरेटर पुराना दोस्तों, बिल्कुल शोरूम कंडीशन में जनरेटर रेडी हो चुका है, प्रॉपर पैक कर दिया गया है, अब फोर्कलिफ्ट से दोस्तों अब इसे गाड़ी में लोड कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दिए गए नंबर पर जल्द से जल्द ऑर्डर करें, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। जय जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।